आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में आमिर की फिल्म दंगल की कोस्टार जायरा वसीम भी लीड रोल में थी। आइए देखते हैं दर्शकों की क्या राय है इस फिल्म के लिए। बहुत अच्छी थी। इट्स ऑल अबाउट सिंस एवरी म्यूजिशियन विल लाइक इट ऑब्वियसली एंड एवरी सिंगर विल लाइक इट सो दैट्स व्हाई वी वेंट। अच्छी एक नंबर मूवी थी, अच्छी थी मूवी। इट वॉज लाइक पाठशाला, वो कौन सी मूवीज जो थी ना, ओल्ड मूवीज़ की तरह फिर से ट्रेंड उसने किया तो और अच्छा था, उसके एक्सप्रेशन और अच्छे थे मूवीज़ के लिए, और अच्छी मूवी है। आई विल गिव 4.5 स्टार्स फॉर दिस मूवी। इट्स लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर, यू शुड एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी। गाने बहुत अच्छे हैं। एक तो मजाकिया गाना लास्ट में आमिर खान का, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी स्टोरी। 4.5 सुपर हिट। Awesome. सबकी अच्छी हमें कुछ नया कर रहे हैं इसमें, थोड़ा अलग इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। इनकी तो अच्छा सुपर एक्टर, गाने भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। मैंने चली फिर ये थोड़े गाने गाते हैं। 5 में से 4 5। कुछ मूवीज़ होते हैं ना, आप देखते हो, एंजॉय करते हो, फिर बाहर निकल के भूल जाते हो, बट सर्टन मूवीज़ यू टेक विथ यू, यू नो, आप अपने साथ लेकर जाते हो, उनके बारे में सोचते हो, उनके बारे में मतलब आप बात करते हो। सो ये उनमें से एक होने वाली है कि इसके बारे में हम बहुत सोचने वाले हैं। इनफैक्ट ये वो मूवी है जिसमें इंटरवल पे मैं अपनी मम्मी को कॉल करी थी और उनको थैंक यू बोल रही थी कि जितना उन्होंने मेरे लिए करा है, बिकॉज इट मेक्स यू थिंक, इट मेक्स यू फील। आई लव्ड इट। उनकी एक्टिंग तो हमेशा ही बहुत ही अच्छी रहती है। आई थिंक हर जगह जब जिस जैसे भी कैरेक्टर वो प्ले करते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं। लाइक मेरे दिमाग में रंगीला का वो येलो कपड़ा पहना हुआ आमिर खान एंड दिस आमिर खान, ये दो हमेशा रहेंगे आई गेस। और शी इज टू गुड, शी इज फ्लॉलेस, या फ्लॉलेस। द मॉम, द डॉटर, एवरीबॉडी वाज फ्लॉलेस। आई थिंक सब अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे प्ले कर रहे थे। यू कांट थिंक ऑफ अनदर पर्सन प्लेइंग इट। यू कैन नॉट फॉरगेट चिंतन आल्सो। हां चिंतन, ही वाज सो क्यूट, या टू क्यूट। आई थिंक ही रिमाइंडेड मी ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज इनोसेंट अबाउट स्कूल लाइफ, यू नो, द एंटायर इनोसेंस। मुझे लगता है इसमें फैमिली जो पहले मॉम डैड वगैरह इतने खुल के बात नहीं करते थे अपने बच्चों के ड्रीम्स के बारे में, शायद ये मूवी देखने के बाद में शायद वो अपने बच्चों के उनको सोचने का और मौका दें, उनसे ज़्यादा जुड़ेंगे शायद मे भी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज भी है सबको। आई एम ए बिग फैन आमिर। मैं इनको हर जगह फॉलो नहीं करता बट उनकी मूवीज हमेशा देखता हूँ। आई थिंक व्हाट ही इज़ डूइंग, यू नो, ही इज़ नॉट इवन एंटरटेनिंग उनका एक पार्ट है ऑब्वियसली, बट वो हमेशा एक अपने मूवी में एक मैसेज जरूर देते हैं, एक सोचने का मौका देते हैं लोगों को और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कैसे बेहतर बना सकते हैं। दैट्स अ ऑलवेज अ फूड फॉर थॉट। सो थैंक यू आमिर। आई थिंक ये उनकी सेकेंड मूवी है। मैं हम उनको काफ़ी सारी चीज़ें करी है। अच्छा तो मतलब मैं भी मूवी मूवी सेकेंड है तो मतलब वो बहुत ही नेचुरल लगे हैं स्क्रीन पे। मतलब उनको ऐसा नहीं दिखाया गया कि मतलब जैसे बच्चे होते हैं इनको इतने सारे इमोशंस समझ में नहीं आते हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छी नेचुरल चीज़ें की हैं जो बहुत ही अच्छी से आई हैं बाहर, वो बहुत अच्छी दिखी हैं स्क्रीन के ऊपर। एब्सोल्युटली मेरे लिए तो सारे स्टार्स हैं फिलहाल तो, वही बस 5 में टॉप स्टार्स। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आमिर की एक्टिंग के लिए एक ही वर्ड रहता है, परफेक्शन। उनकी मूवीज रहती है परफेक्शन, इट्स डेफिनेटली अ विजुअल ट्रीट। ज़ायरा वसीम इज आउट शाइनिंग इन हर परफॉर्मेंस, रियली शी मेक्स यू कनेक्ट विद हर। इट वॉज टोटली आउटस्टैंडिंग, यू शुड वॉच इट विद योर फैमिली, यू शुड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स, डेफिनेटली विद योर मॉम। आई लव हिम इन ऑल द मूवीज। इफ यू हैव लाइक दंगल देन यू शुड वॉच सुपर सीक्रेट सुपरस्टार। Dangal, yeah, it's totally same, like as Dangal is, same, you can emotionally connect with Secret Superstar. It's 5 out of 5. मेरी प्यारी अम्मी, definitely. तो इस दिवाली आमिर की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार दर्शकों के लिए एक तोहफा रही। ये फिल्म दर्शकों को खूब लुभाई। कैमरामैन गोविंद के साथ विदिता प्रताप, बॉलीवुड सन.com, मुंबई।